السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قال الله تعالى في القران الكريم الفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا محترم ديني وملي بحي ونوجوان ساتي بضرغ किताब स तरगीब व तरहीब से जो हदीस हमारे सामने है वो है हदीस इन नमलआम बिनियात इस हदीस के मुतल से कुछ बातें हुई थी यानी मसला हदीस के जो रावी हैं रिवायत करने वाले हमर रजी अल्लाह तहु से के मुतल कुछ बातें हुईं उसके बाद फिर इस हदीस की अहमियत आइमा की नज़र में मुहदसिन की नज़र में क्या है इसको भी हमने जाना और उसके बाद फिर इस हदीस के हवाले से थोड़ी बातें हमने जानी है आइए हदीस का मफहूम जानने की कोशिश करते हैं रावी हदीस चूँकि तो उमर में ख़ाब रजी लाऊँ कहते हैं कि मैंने नबी करीमत तो तो को कहते हुए सुना कि आमाल का दार व मदार नीयत पर है या एक रिवायत के मुताबिक नीयतों पर है यानी या या आमाल जो हम करते हैं उस अमल पर हमको अजर व स्वाब मिलेगा अमल कबूल है या कबूल नहीं है अमल सही है या सही नहीं है इसका इसार और दारो मदार नीयत पर है इसलिए कि बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे अमाल हम करते हैं जो एक जैसे नज़र आते हैं नमाज सारे के सारे ने पढ़ी हज सारे के सारे लोग करते हैं उम्र सारे के सारे लोग करते हैं लेकिन ये कैसे तय होगा कि आपको उसका अजर मिला कि नहीं मिला इसका पैमाना क्या है इसका मीज़ान क्या है तो वो नीयत है नीयत के अतबार से ये तय होगा आपके अमाल का जो नतीजा है वो नीयत के अतबार से निकाला जाएगा कल क़्यामत के दिन अल्लाह रब्ज़त के बारगाह में आमाल का फैसला नीयतों के अतबार से होगा वहाँ नमाजी भी होंगे हाजी भी होंगे उम्र करने वाले होंगे बाहर आमाल में यसर नज़र आएंगे लेकिन छाँट दिए जाएंगे सफ़ों से निकाल दिए जाएंगे एक सफ़ में होने के बाद एक जैसा अमल करने के बावजूद भी अलग कर दिया जाए इसीलिए देखिए जिल्जार में ने कि नासु वो ऐसा दिन होगा जहाँ हो तो एक जैसा था लेकिन लोगों के दिल अलग अलग हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे नतीजे सबके अलग अलग हो जाएंगे तो क़यामत को इसीलिए कहा जाता है राफिया क़यामत की एक सिफत सूरह वाकिया में अल्लाह इज़्ज़त ने बयान फरमाया वाकिया जब वाक़ होने वाले वाक़ हो जाएगी लई सली वक्त उसके वाक़ होने में कोई डाउट नहीं कोई शक नहीं है फिर तो उसकी सिफत बयान की जा रही है खाफ़िज़त राफिया वह ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर कर देने वाली है यानी मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जो चेहरे हमको बड़े नज़र आते थे अमल में इबादत में रोज़े में नमाज़ में जो चेहरे हमको चमकदार नज़र आते थे बड़े नज़र आते थे बाहर वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे जिनके अमाल हमको छोटे लगते थे जिनकी नमाज़ें हमको बहुत मामूली लगती थी जिनके हज को हम हकीर समझते थे वो ऊँचे हो जाएंगे यानी क़यामत का दिन ऐसा होगा कि उस दिन नीयतों के अतबार से फैसला होगा छोटा बड़ा हो जाएगा बड़ा छोटा हो जाएगा तो ये मसला होगा क़यामत के दिन उसके बाद नबी करीम नब करी रतलाम फरमाते हैं कि वह इन नमा लिकमर इन मानवा यानी हर आदमी के लिए वही है जिस नीयत के साथ वो काम करे इसलिए कि हर आदमी के काम के पीछे अमल के पीछे अपने बहुत सारे मकासद होते हैं काम वही है लेकिन मकसद अलग अलग है ना कोई किसी मकसद के लिए काम कर रहा है कोई किसी मकसद के लिए अमल कर रहा है कोई किसी मकसद के लिए कर रहा है तो हदीस में बिल्कुल वाजह है कि वो जिस मकसद के तहत वो काम कर रहा है वो अमल कर रहा है उसको वही मिलेगा फिर उसके बाद एक बड़ी मिसाल दी गई एक बहुत बहुत ही अजीम अमल की मिसाल दी गई हदीस के अंदर वो क्या है हिजरत हिजरत है जिसके बारे में नबी क़रीम सात से पूछा गया और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हिजरत का नबल कि हिजरत पहले के जितने गुना होते हैं जितने गुना है हिजरत इतना अजीम अमल है मेरे भाई कि पिछले जितने गुना हैं नबी क़रीम करीम्सातलाम कहते हैं कि माफ कर दिए जाते हैं लेकिन देखिए हिजरत कई लोगों ने की हिजरत बहुत सारे लोग करते हैं कोई सिर्फ कमाने के इरादे से करता है कोई आया है अपने गांव से शहर आया है सिर्फ कमाने के लिए लेकिन कुछ लोग आए हाँ हैं इस इरादे से इस नीयत के साथ कि चलेंगे हम कमाएंगे माँ बाप को तो खिलाएंगे बीवी पे खर्च करेंगे अल्लाह राज़ी होगा अल्लाह खुश हो जाएगा है ना एक लुकमा भी आप अगर अपने बच्चों को खिलाते हैं अगर इस इरादे के साथ कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए तो ये आपका आना मुबारक है ये अल्लाह के रास्ते में फिर सभी नब करीमर सात ने कहा कि फिर सभी ऐसा आदमी जो अपने वालदेन पर खर्च के लिए आया है अजर व की नीयत से आया है अल्लाह को खुश करने के लिए आया है कि कमाऊंगा माँ बाप को खिलाऊंगा बच्चों की तालीम तरबियत उनकी परवरिश करूंगा तो नब करीमस्सात व्लाम ने फरमाया कि फ़ी सभी देखिए यहाँ से मालूम होता है कि अखलास नीयत का फ़ायदा क्या है अखलास नीयत का फ़ायदा क्या है यह है कि दुनियावीमल भी जो बाहिर दुनियावी अमल मालूम होता है वह दीनी अमल हो जाता है और जो दीनी अमल मालूम होते हैं वो नीयत की खराबी की वजह से दुनियावी अमल हो जाते हैं है नीयत का सबसे बड़ा फायदा है और एक सबसे बड़ा फायदा है ये मेरे भाई कि अच्छी नीयत के साथ अच्छी नीयत के साथ अच्छे अमल में अगर कोई कमजोरी है ना या अगर आप नहीं कर पाए किसी उज्र की बिना पर तो आपको अच्छी नीयत की वजह से सवाब मिलेगा अच्छी नीयत अमल से पहले अल्लाह इज्जत की बारगाह पहुंच जाती है अच्छी नीयत अच्छी नीयत के साथ अच्छा अमल अगर आदमी नहीं कर सका तो उसको सवाब मिलेगा लेकिन बुरी नीयत के साथ बद नियती के साथ आदमी अच्छा अमल करके भी सवाब नहीं पाता है स्वाब समयरूम हो जाता है तो ये नीयत का फ़ायदा है उसके बाद नबी करीम से फरमाते फमन कानत हिजरत हुई रल्लासूरी फ हीजरतु व वूरी कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत की अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की हिजरत हुई रसूल ही तो उसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करने का सवाब और अदर मिलेगा वमन कानत हिजरत युसई बुआ और इमरातीन क्यों हुआ जिसने इस इरादे से दुनिया कमाने के लिए दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत की या किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की तो फिर याद रखिए उसकी हिजरत का एतबार उसी में किया जाएगा यानी उसको वही चीज़ मेरी कि उसके नीयत के अतबार से फैसला किया जाए कि उसने अगर दुनिया कमाने के लिए किया है तो उसको दुनिया मिलेगा और मैंने अपने दर्द से पहले कुरान मजीद की एक बहुत जाम आयतें झिझोड़ देने वाले आयतें यानी इखलास अगर नीयत में नहीं है आदमी मुखलिस नहीं है, तो कितना बड़ा नुकसान है कितना बड़ा नुकसान है या आयतें करियो बताती है मन काना यूरी आजा कि जो जल्दी चाहता है जल्दी फायदा चाहता है और दूर के फायदे कोखरूब फायदे को नजरअंदाज कर देता है जल्दी चाहता है अमल करके कोई काम करके जल्दी चाहता है लोगों की तारीफ चाहता है लोगों को खुश करना चाहता है जल्दी चाहता है कि फटाक से वो कोई काम करे और फौरन जो है उसके लोग उसकी तारीफ कर दें मन काना यूरीदुल यूरी था माना लिमन नूरीद जो दुनिया चाहेगा जल्दी चाहेगा आखिरत के फायदे को नजरअंदाज कर देगा तो फिर याद रखो कि हम तुमको जब चाहेंगे तो दुनिया देंगे और जितना चाहेंगे उतना देंगे और जिसको चाहेंगे उसे देंगे मतलब यह है कि नुकसान है खसारा है खसारा है अगर बदनीयती से आदमी काम करे और दुनिया पाने के लिए काम करे तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया भी न दे लेकिन अखलास नीयत के साथ करेगा तो दीन और दुनिया अल्लाह ताला दोनों देगा तो इसलिए मेरे भाइयों इस हदीस का पैगाम यही है कि आदमी मुखर से देखिए अखलासियाँ ये दो दारी तलवार है आज खसूस आज के ज़माने में जहाँ शोहरत के असबाब हैं दिखावे के असबाब हैं जगह जगह पर ऐसे जराए मौजूद हैं जो इंसान के नीयत को फेर दें इंसान के नीयत को बदल दें सोशल मीडिया खूस आप देख लीजिए बड़े से बड़े काम करके आदमी क्या कहते हैं उसको फेसबुक के कचरे में डाल देता है व्हाट्सएप के कचरे में डाल देता है तो ऐसे इसबाब जहां हों वहां अपनी यानी इबादत हम लोग मेहनत करते हैं नमाज पर मेहनत करते हैं नमाज के मसाइल सीखते हैं रोज़ा कैसे रखना है रोज़ा के मसाइल जब रमज़ान आता है रोज़ा के मसाइल उलमा से पूछते हैं उसी तरीके से उससे कहीं ज़्यादा मालूम यह होता है कि अखलास पर मेहनत करने की ज़रूरत है नीयत पर मेहनत करने की ज़रूरत है अखलास पर एक मिसाल आप समझ लीजिए कि कैसे मेहनत करेंगे मसला ये है कि हम कोई अमल करें हम कोई अमल करें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रजा को शामिल करें आखिरत पर ईमान रखें कि असल जो अदर हमको मिलने वाला है वह अल्लाह देगा अल्लाह की निगहबानी निगरानी का एहसास हो और खूस तनहाई की इबादत ज्यादा करें तनहाई की इबादत ज्यादा करें अगर नीयत को दुरुस्त करना है तो इबन वसैम रहमत फरमाते हैं मेहनत क्यों करना है अखलास पर इब वसैम फरमाते हैं कि अखलास ये कोई आसान काम नहीं है ये नफ्स पे सबसे ज्यादा गिरा गुजरने वाला काम है सबसे ज्यादा गिरा गुजरने वाला काम है लिहाजा इस पर मेहनत करने की जरूरत है इस पर मेहनत करने की कोशिश करने की ज़रूरत है तन्हाई की इबादतों को हमको और आपको अंजाम देना चाहिए ये मेरे भाइयों इस हदीस के हवाले से चंद बातें थी अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल की तक फरमाए आमिन वरक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीर जजाकल्ला खैरन